ईमान के बाद सबसे अहम चीज जो है वो आमाल है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह सुबहाना ताला ने वजाहत के साथ इस चीज को पेश किया है कि ईमान के साथ जो जिक्र फरमाया अल्लाह पाक ने वो आमाल का फरमाया। आमाल ईमान जो है वो समझने के जुड़ी हुई चीज़ है। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान की तौफीक इंसान को अता फरमा देते हैं तो उस पर लाजिम हो जाता है कि फिर वो आमाल की तरफ बढ़े। आमाल हकीकत में जो है यह इंसान के ईमान की तस्दीक करते हैं और ईमान का इजहार भी उससे होता है। जैसे इंसान के आमाल होते हैं उसके ईमान का पता चलता है उससे। गोया के जो है आमाल बहुत ही अहम चीज़ है ईमान के साथ, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आप देखें तस्दीक कैसे होती है, हदीस मुबारक में है कि जैसे आप किसी को मस्जिद में जाता देखें पाबंदी के साथ तो उसकी ईमान की तस्दीक करते हैं। तो अमल नमाज थी, नमाज के जरिए हो गया। इसी तरह आप ये देखें कि जितनी भी आखिरत की तैयारी है इंसान की सारी किस पर होती है, अमल पर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुख्तलिफ तरीके के अमाल इंसान को अता फरमाए हैं और इन्हीं अमाल के जरिए इंसान जो है तरक्की और उरूज हासिल करता है, जहरी भी और बातनी भी। हत्ता कि ये आमाल ही जो हैं इंसान के लिए मौजिब निजात होते हैं। आमाल सहल जो हैं अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करते हैं। आमाल के ज़रिए अल्लाह की रहमत इंसान पे मुतवज्जा होती है और फिर अपनी रहमत से अल्लाह ताला उन आमालों को कबूल फरमा लेते हैं और उसको जन्नत नसीब हो जाती है। तो जब अमाल ही नहीं होंगे तो अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? ये मामला ना, आदमी कुछ करेगा तो काम बनेगा ना, है तो सारा मामला अल्लाह की रहमत पर ही है। ये नहीं कि भाई अमाल से हम बख्शे जाएंगे, बल्कि बख्शे किससे जाएंगे? अल्लाह की रहमत से। अमाल अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करते हैं कि असबब है, असबाब अल्लाह पाक ने दिया है कि अमाल करो फिर मेरी मर्जी है मैं कबूल करूँ या ना करूँ, मेरी मर्जी है। तो हमारा काम क्या है, हम तो लगे रहें अपने काम पर। जो अल्लाह ने माल दिए ये सोच ही नहीं सकते कि भाई बगैर माल के कोई काम बन जाए, अल्लाह की मर्जी। लेकिन ये सब जो अल्लाह पाक ने दिया है वो इंसान को माल दिए। तो पहला धोखा तो ये है कि भाई ये बिल्कुल फजूल बातें हैं, जो ऐसे कोई कहे किसी अमल की जरूरत नहीं है, बस सब चलता है,
अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, सबको पता है, किसको नहीं पता। तो भाई ये बहुत जरूरी चीज़ है, पहली चीज तो कि इंसान अमल की तरफ लगा रहे, रुके ना। जिंदगी है इसलिए कि इंसान अल्लाह की बात को जारी रखे, टूटा फूटा जैसा भी है। मैं कहते हैं नमाज में मजा नहीं आ रहा है, नमाज में ख्यालात आते हैं, नमाज में फलां होता है, ये नमाज में ये होता है, होने दो। कम से कम झुक तो रहे हो अल्लाह के आगे, सजदा तो कर रहे हो, कुछ पढ़ तो रहे हो ना, ये नहीं पढ़ रहे, ना भी पढ़ रहे, लेकिन आपके एक्शन ही बता रहे हैं कि अल्लाह की ताबेदारी में आप खड़े हैं इस वक्त, आपको मस्जिद बता रही है। इस वजह छोड़ देना जी, दिल नहीं कर रहा, मेरी तबीयत नहीं कर रही जनाब, मुझे वसवसे बहुत आते हैं, मैं पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या जो होता है, सब अल्लाह की रहमत पर छोड़ दें। बहुत से ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी नमाज पढ़ते होंगे, लगे मैं नहीं कबूल करता, हम क्या करेंगे। और बहुत से ऐसे जो पढ़ते होंगे, इंसान के अंदर इखलास तो है ना, उसमें ऐसे इखलास था कि चलो जैसे भी है मैं खड़ा हूँ, बल्कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है नमाज पर, कि बेचारा बीमार भी है या कोई नफसियाती बीमार है, कोई जहनी बीमार है, किसी किस्म के हालात के अंदर है, उस तमाम के बावजूद भी उसका दिल भी नहीं कर रहा, मजबूरी आ रहा है, और उसको बिल्कुल तबीयत भी नहीं करती, पता नहीं क्या कर रहा है, उसको तो ज़्यादा स्वभाव है। इतनी चीज़ों को छोड़ के वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह की तरफ झुक तो रहा है ना, तो ये बस पक्की कर ले आदमी बात कि अमाल तो छोड़ने ही नहीं, बस के साथ जैसा भी है हमने ही नहीं छोड़नी नमाज, बाकी उसकी कबूलियत है, उसकी मर्जी कबूल कर दे, हमारे मुंह पे मार दे, जिधर मार दे, हमने तो ताबेदारी करनी ही करनी, उसकी रहमत से उम्मीद है। हाँ भी कह रही कुछ ना, फिर तो अल्लाह ताला पे नाराज होंगे ना, इस बात में जिसको बात ही नहीं बनती है ही कुछ नहीं, ये रहम फरमा दे वो ठीक तो रहम तो फरमाएंगे, कुछ तो किया होता तूने तो दुनिया में भेजा किस लिए था तुझे, खाने पीने भेजा था, खा पी ऐश कर बस, तो कहाँ है सारा खाना पीना दुकान वकान सब किधर है, जिसलिए भेजा था वो तेरे पास था ही, वो तो वहीं रह गए जहाँ जिस बस्ती में तू गया था, जिसका नाम बस बस्ती का नाम दुनिया था, वहीं छोड़ा है सब कुछ, तो अब क्या लेकर आया। तो ये तो मामला है कि भाई ये तो करने करना, बात समझ आ गई, तो ये बात क्लियर है, आप हर हालत में हर इंसान को करना है, बस कोशिश करने लगे रहती है, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए हर इंसान, औरत को भी मर्द को भी। औरतें कमज़ोर हैं इसमें बड़ी, भाई बच्चा रोता है फिर मैं दिल नहीं करता मेरा, फलाक होता है, बच्चा वैसे ऊपर चढ़े नीचे चढ़े आगे भागे, ये भी तो नमाज दिखाइए नबी पख में करके दिखाइए, खेलते नहीं थे इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों खेलते थे, साहबी ने कहा तुम्हें क्या है करने दो जो करते हैं। तो हर जावी से अल्लाह के नबी ने दीन को पेश किया है, तो ये बहाने में चला गया कि बच्चा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है करने नहीं देता, और आगे से गुजर है, लगे रहो अपनी नमाज तो पूरी कर लो, पता नहीं क्या पढ़ा था समझ नहीं आया हमें तो कुछ नहीं, दिल ही नहीं, तसल्ली नहीं हुई हमारी तो बिल्कुल, औरतें बहुत करती हैं बहाने बहुत तसल्ली नहीं हुई, पता नहीं क्या पढ़ लिया ऐसी क्या नमाज पढ़नी, छोड़ो जी बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर पढ़ेंगे, हमसे नहीं पढ़ी जाती, ये सब बकवास है, मोहताज तो क्या करोगे, जिस हाल में इंसान पढ़े नमाज को छोड़ो, और नमाज से मुराद हर अमल खास तो फराइज जितने भी हैं सबको करना है, इस तरह सबको, कौन है जिसको हजमी कौन अक्सर हाजी कौन करके आता है, है? पता है कौन दावा कर देगा जी मैंने बड़ा फर्स्ट क्लास बिल्कुल ठीक ठाक मेरा हाजी हुआ, वो तो अल्लाह ही जानता है ना ठीक ठाक हुआ है, लेकिन हो तो गया ना, बस कला है अल्लाह का फजल, उम्र में जा रहे हैं हमारे आदम भाई जा रहे हैं माशाल्लाह सबका माशाल्लाह, ऐसे सफर पर जाया करें उस शख्स को गौर से देखा करें, ऐसे बुजुर्ग हमने देखेंगे जब कोई उम्र से आता था ना हमारे अकाबरी में ऐसे बुजुर्ग थे, उसको पास बुलाते थे उसके पाँव को चूमते थे ये, और रोते थे और गिड़गिड़ा कहते थे ये पाँव मदीने में होके आए, ये उस खाक पे चले थे, अपने अपने एहसास की बात है, ये इसी पदों में ये दूसरे मुबारक पर गया था, ये वो कदम है मुझे चूमने दो कहते थे, ये मोहब्बत है, ड्रामा नहीं होती, ड्रामे करने वाले मोहब्बत बहुत हैं, इसको कहते हैं गिड़ी तारी हो जाती थी उन पर, कैफियत तारी हो जाती थी, ये मदीन से है अल्लाह जाना भेजने जाने वाला भी ऐसी हो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें एहसास कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये कौन सी जगह है, यहाँ तो सहाबा फिरते थे, यहाँ तो आयशा सदीका रहती थी, यहाँ अल्लाह, यहाँ इमाम हुसैन खेलते थे, यहाँ तो अबू हुरैरा लेटे हुए थे,
ये साफ़ सबूतरा है, इसका क्या हाल है, कितने बड़े बड़ी कुरान की आयत में उतनी साफ़ सबूतरा पर मैं खड़ा सजदे कर रहा हूँ। सोचे बस ये कैफियत रहे हर वक्त उस सफर के अंदर, तब तो मजा है, हजूर ही रहे। एक ही खंबे को देख, अच्छा यहाँ था, तोबा की थी हमारे साहबी ने जिसका कुरान में जिक्र आया, वो ये वाक़ तो यार इसी के ऊपर हुआ था जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये वो जगह है मुसल्ला है जहाँ पर नबी बख्श आए थे और इस दरवाजे से निकले थे और आखिरी आपने नमाज, अच्छा यहाँ शहीद हुए थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। हिस्ट्री नहीं रुकती इंसान की देख सोच सोच के, अब फिर वहाँ नमाज पढ़े, अब फिर अल्लाह वक्त यहाँ तो उन्होंने सजदे किए थे और जहाँ पर एक अल्लाह का वली सजदा कर दे तो क़यामत तक उस जगह का नूर ख़त्म नहीं होता, जहाँ नबी सजदा करे वहाँ क्या होगा, उसका नूर ख़त्म हो गया। बेशक 10,000 कारपेट पड़ जाए उस पर, कितना स्पिंडेड कर दिया जाए, लेकिन उसका नूर खत्म नहीं होगा, मजद नहीं। असल नूर वही है साहबा के अकदाम, साहबा का सोना, भूख से तड़फना, ये असल तो नूर वही वो है। ये जो जगमग कर रही हैं चीजें, इस कंदीलें तो आर्टिफिशियल है, हम उससे मरूब हो जाते हैं, हम उसके मरूब हो जाते हैं, भाई वाह क्या कंदीलें हैं, क्या एक्सटेंशन हुई है, नहीं नहीं सब भूल जाए, पूछें बस यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी मामला, बस पूछें ना। एक वाक़ा याद आता है अपने वहाँ पर, एक पुराने ज़माने की बातें हैं ये, एक सैयद ज़्यादा था, उसको मुसेज हो गया, मेरे पास बैठने लगा, बातें करता था बहुत, और जब बातें हुई तो बड़ी अजीब अजीब बातें उसने की, और इस बात मेरी बात आ रही कहीं से कहीं बात निकल गई, अब आज ही साहब हमारे जा रहे थे, अब मुझे भी शौक हो गया कि हम भी बातें करें मदीने की, तो बहुत मोहब्बत होगी, तो मैंने कहा तुम काम क्या करते हो, कहते हजरत पूछो ना बस, काम हमारा शुरू होता है रात को, मैं क्या काम तुम्हारा, बस पूछे ना। सही ज़्यादा था वैसे ही बहुत माशाल्लाह मुत्तकी बच्चा था, वो ऐसे ही आदमी आते हैं फिर ऐसी जगह पे, बहुत मुत्तकी था, तभी तो मेरे पास बैठा बेचारा, कहता कल आऊँगा मैं रात को फिर बताऊँगा आपको, ठीक है हो जाए। रात को फिर आए तो आपने मुझसे पूछा था मैं क्या करता हूँ, कहते हैं हजरत मैं एक बहुत ही बड़ा काम कर रहा हूँ, क्या कि बिल्कुल ये रोजे वाले के साथ नीचे, उसने बताया वायरिंग कर रहे हैं हम, तो ये सारा खोदा है हमने नीचे तक, और फिर उसने वहाँ के जो अनवारात और जो बातें बताई, असल असल जमीन पे था वो कहते वैसी ही पड़ी हैं चीज़ें, अब मैं दास्तान सुनाने लगूंगा बहुत लंबी हो जाएगी, उसने जो वहाँ के वाकयात सुने बच्चे हैं, और कहते मैं ऐसी बात नहीं करता, खुशबू से महक रहा था कि खुशबू लगाता हूँ, ये करता हूँ, फला करता हूँ, और कल देखना मैं आप क्या करता हूँ। उसी दिन उस जगह से नीचे असम था जगह, उसकी मिट्टी लेकर आया मैं ले, शख्स क्या खुशबू थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, आप सोचें। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत तो वहाँ थी, कहते हैं हकीकत आप अगर देखें नीचे कि सदियों गुजर गई, लेकिन जो बिल्कुल ऐसा जैसे अभी कोई वहाँ से गया, हज़रत फातिमा तो अभी गई हैं, इसी तरह लोटे पड़े हैं, इसी तरह चीज़ें, और कहते कुआं बता रहा था, बहुत सी चीज़ें बताई, तो आप क्या, तो यानी अजीब दुनिया उसने दिखाई, कहते ये ऊपर कुछ है, और वहाँ कहते जो हम काम पे जाते हैं तो कई हमारी तलाशी ली जाती हैं और बहुत स्ट्रक्शी की जाती है कि कोई वहाँ से हम चीज़ निकाल ना लें, लेके ना जाएं, बहुत सारा हमारे से सिक्योरिटी चलती है, और जिस हम काम करते हैं वायरिंग फिट कर रहे थे क्योंकि ऊपर जो लाइटें लग रही है ना, सिस्टम सारा नीचे है उनका, तो उसके लिए बहुत डीप जाना पड़ता था, कहते जब हम डीप गए तो असल दुनिया आ गई, और कहते वहाँ कब्र भी देखे हमने, साहब किन किन साहबों की कब्र थी, असल मजा आया ना हाजी साहब, जी हाँ मजा। तो वहां जाए तो आदमी इस कैफियत में रहे कि हम कहाँ हैं, किधर आ गए, किस काम, नहीं जब फटाफट उमरा कर लिया, वो एक फर्ज काम करते हैं, हाजिर दिया है तुम दे हाजिरी, बस वो समझते हैं हाजिर दिया है, हाजिर देने ही आप रहे हैं, बस चलते हैं जल्दी हाजिर देखे आप, बस बस रेस्टोरेंट में खा पी रहे हैं, बस ये भी बात है, तुम ये कर लिया, अन्य अभी नहीं करना यार, तुम कराए, हाँ ये कराए, ओ यहाँ मैं भी जल्दी कराऊँ, ऐसा ना हो कि हम उमरा रह जाए, ये कोई बात है, वहाँ तो इसी तरह सो रहे हैं उसी अंदाज में कि सुभान अल्लाह, या ये साहब ही सोते थे, या ऐसे होता था, या फला होता था, ऐसे चलते थे, इस किस्म की बातें होती थी, पूरी हिस्ट्री हमारे जहन होनी चाहिए, घंटों बैठे आदमी राकिब वहाँ पे, बोलिए अल्लाह जो गए सारी दुनिया के बड़े बड़े हस्तियाँ आप देखें किस तरह जाके कांपती थी, पाजदीद बस्तामी जैसा लोग,
जैद बगदादी जैसे लोग गुम हो जाते थे जबानी उनकी, बोल नहीं सकते थे। हम इस चक्कर रहते हैं अब दिया है बस यार रश कम हो जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर मैं जाऊँगा, वो या बस भागा जा रहे आगे जा रहे, बस समझे यहाँ हमारा एक वो है रुकन पूरा कर रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। तो पता नहीं क्या बात कर रहा था, किधर निकल गया। हाँ बात हम क्या कर रहे थे, अमाल की। तो भाई ये अमाल जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर हालत में करनी चाहिए, इससे कभी सुस्ती आदमी ना करे। औरतें खासतौर पर इस पर तवज्जो करें कि बिल्कुल कबूल ही कबूल है, बस ये समझें आप हर हालत में कबूल ही कबूल है अल्लाह के फजल से, ये नहीं है हमारे यहाँ। बाकी एक बात यह है जो अमाल नहीं करते वो अमल करें, जो अमल कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, एक बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है। क्योंकि सारा दार मदार हमारा किस पे बनता है, ईमान की बात अमल पे बनता है। तो अब हमारी अमल के बारे में तो फिर बहुत एहतियात करनी चाहिए ना। क्या एहतियात, एहतियात ये करनी चाहिए कि भाई इस अमल के ऊपर जो हमारा बड़ा सही दुश्मन अल्लाह ने बताया है दो हैं, कौन, नफ्स और शैतान। वो छोड़ देंगे, अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं तिलावत कर रहा हूँ, या मैं कुछ अमल कर रहा हूँ, वो तो लगे हैं पीछे, वो तो किसी हालत में भी हमें बख्शने वाले तो नहीं ना। उनका हम तो इसको, इनको तो हमारी ड्यूटी है हम इनको ख़त्म करें, इनको जन्नत में जाने देना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं। तो अब उनको ये तो पता है सारी किस क्या चीज़ इनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो ही चीज़ें, ईमान और अमल, दो ही चीज़ें। तो अब वो क्या करते हैं, शैतान नफ्स, ये अब हमने सोचना है, वो नहीं छोड़ते आदमी को, वो नहीं छोड़ते। अब हम तो कर रहे हैं अमल, अब हमें पता नहीं अमल हमारा क्या है, ये सोचने वाली बात है। अमल तो करो, लेकिन अमल करने के बाद क्या है, आदमी की सबसे बड़ी चीज यह है कि वो सोचे यार ये अमल जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है, क्यों कि दो चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं, शैतान भी और नफ्स भी। तो कहीं इस अमल के अंदर जो मैं नमाज पढ़ी है, जो भी की है, उमरा की है, आज की है, ज़कात दी है, जो अमल मैं कर रहा हूं नफली है दूसरा, इसमें कहीं नफ्स और शैतान तो शामिल नहीं है मेरे। और नफ्स इतनी बड़ी चीज है, वो शिर्क कराता है। नफ्स क्या है, शिर्क, शिर्क कराता है नफ्स, शैतान ही काम नहीं करता, नफ्स करा देता है। वो कैसे, तो उसको पता ही नहीं, अब नफ्स उसको इतना बिल्कुल मजबूत कर देगा कि नहीं बिल्कुल तेरा अमल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, क्यों परवाह क्यों करता है पागल, बिल्कुल ठीक है, जरूरत ही क्यों है, सब दुनिया बकवास करती है, नहीं नहीं तू ठीक है, तू बिल्कुल सही कर रहा है, वो जमात से नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको पक्का नफ्स नहीं किया, नहीं यार तू ठीक है तेरी मजबूरी है, सुभान अल्लाह, देखें आप, और तेरी मजबूरी है यार, वो पक्का हो गया मेरी मजबूरी है, ये को भाई वो अपने दलाइल पर नफ्स ने उसको क्या कर दिया, पक्का कर दिया। इसी तरह सारे अमालों का आप ले लें, उसको सब ऐसा पक्का कर दिया। लोग जमात में भागे जा रहे हैं, वो कहते हैं यार हमारी तो मजबूरी, हम तो यहाँ बैठे ठीक है, हमारे साथ अपने वाकयात खुद गिनते हैं, देखें आप मुफ्तियाब बने। ये आम हालात इस वक्त हमारे इस्लाम के अंदर आ चुकी है, बड़े बड़े फकीर भी होंगे, शकीर भी होंगे, और पीर भी होंगे, सो कॉल्ड पीर, और वो क्या कहते हैं जिसका आलिम भी होंगे, मुफ्ती भी होंगे, ये सब एक ही लाइन में खड़े होंगे आखिरत में भाइयों, एक ही लाइन में खड़े होंगे सारे। नफ्स ऐसी चीज है कि जब इसका हिसाब होगा ना, अल्लाह पाक ने वैसे ही कुरान में नहीं कहा जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया उसने मुझे पा लिया, जन्नत का जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट अपनी बात की। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज होगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसको कैसे जांचे, बड़ी चीज है भाई, क्या पता हम सच भी हैं गलत है। अब हम जब चौड़े हो गए, दुनिया जा रही है, पूरी करोड़ों आदमी जा रहे हैं कब्रिस्तानों निकल के जा रहे हैं, फिर एक मैदान आएगा हम खड़ा किया जाए, आजा भाई ये अमल, ये अमल कहते हैं इसको मुशरिक है, इसको भेजो। तो मुशरिक जी, मैं जनाब इतने हज किए थे, मैं तो जनाब ये करता था, मैंने तो इतने अमल किए थे, फना किए थे, कहते करो ना इसका तजिया। वो करते हैं ना जब जैसे कि लेबोरेटरी में डालते ना किसी चीज़ को
कि कितना पानी है, कितना खून है और कितने इसमें विटामिन, सब कुछ निकल आता है ना, डालो पानी के अंदर, जब दिल खा जाएगा तो अमल बिल्कुल नहीं होगा और सारा नफ्स निकला होगा, शैतान निकला होगा, सारे वो घूम रहे होंगे सब, वो नमाज का पता नहीं किधर चला गया। अब वो क्या गाएगा, वो क्या गाएगा, यार मैं तो सही बात करता रहा, पक्की बात की अल्लाह, मैं तो अपने सब कुछ लगा रहा, क्या तूने कोई जांचने की कोशिश नहीं की कि तू सही कर रहा है गलत कर रहा है। जी मैं कैसे करता हूं, मुझे क्या पता, नफ्स है ना, असल में क्या है, उसने तो दुनिया के फायदे लेने हैं, तो नफ्स उसको सहारा दे रहा है, तो उसको दुनिया खूब कमाई, उसने मजे किए, सब कुछ किया, नफ्स सहारा ले रहा है, सुनने वाली बात है, सूफी है सुनो, तो मजे ले रहा है, दुनिया कमा रहा है तो नफ्स के साथ, तो मुझे क्या पता था जी मैं कोई आलिम था ना, जी मैं कोई मुफ्ती था, मैं तो बस आम आदमी था जी, मैं तो जिस तरह सब करते थे, हमें तो मजबूर किया गया था, तुम जैसे करो। अब जवाब दे रहे हैं, अच्छा तो आलिम भी नहीं था, तो मुफ्ती भी नहीं था, नहीं जी कुछ भी नहीं था, ठीक है, एक चीज तो मैंने इसे दी थी जो हर आदमी के लिए थी, और मैंने कहा भी था कुरान तो समझना बहुत आसान है, कहा था, और कुरान हर एक के लिए उतारा था, सिर्फ आलमों के लिए मुफ्तियों के लिए तो नहीं उतारा था, और इसमें एजाज है कुरान का, एजाज मुआवजा है कुरान का, जो सच्चे दिल से उसको खोलेगा, एक ना मानने वाले भी खोलेगा तो मुसलमान हो जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं सुनो, अब इसको देखने इतना बड़ा गलोकार थे, एक हमारा यूसुफ क्या नाम उसका पूरा इंग्लिश ने मुझे याद नहीं, क्यों हुआ मुसलमान, वो तो अपने इंजॉय करने गया था इजिप्ट, एक बड़ा आर्टिस्ट था, पैसा था, सब कुछ थी, दुनिया थी, तो हमारे होटल में ये होता है ना कुरान रख देते हैं तर्जमे का, काम आती है चीज़, कुरान कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने कहा देखूं सही यार, एक देखो अल्लाह ताला कैसे हिदायत देते हैं, उसने क्या चीज़ पढ़ कुरान, मुसलमानों का है तो सुनी कुछ चीज़, उसने उठाओ देखें अभी कुछ टाइम है, चलना है नीचे खाना वाना खाना है, क्लब में जाना है, ऐसी जिंदगी तो म्यूजिक, तो उसने कुरान जो खोला पहली सफ दूसरी सफ, अल्लाह अल्लाह ताला के कलाम ने खींचना शुरू किया उसको, उसके अंदर फिर उसको वो तरन्नुम नजर आए, वो म्यूजिक नजर आए, वो म्यूजिक है ना, हर इंसान को उसके टेस्ट के मुताबिक कुरान जवाब देते हैं, उसको वो टेस्ट आ रहे हैं उसके, म्यूजिक जो उसमें लगा, उसके तरन्नुम जो उसके अंदर आए, तो वो उसकी लहरों में गुम हो गया शख्स, बाकी भी उसकी स्टोरी है जैसी है। तो कुरान जो है ऐसे लोग समझ जाते हैं, तो हम नहीं समझ सकते कुरान, सोचिए हमारा पढ़ना नहीं पड़ेगा कुरान, तो अल्लाह ताला तुमने कुरान पढ़ा था जी अरबी में था, तो उर्दू में मिलता था, पंजाबी में मिलता था, गुजराती में भी था, हर जबान में था कुरान, और तेरे तो मैंने तो अल्लाह कहता मैंने तो तेरे जमाने में एक ऐसी चीज पैदा कर दी थी इंटरनेट दबाव, और हर जमान का कुरान उसमें से निकला था तलावत के साथ, क्यों बकवास करता है, तूने कोशिश की थी, वहां तो अल्लाह होगा ना, ये सच्ची बात कोशिश थी, देख कुरान, तू अगर उस कुरान को देखता तो तुझे पता चल जाता कि किसका तू समझ सकता है कि ये मैं सही कर रहा हूं अमल, ये शैतान का है, नफ्स का है, आपको पता भी किसी को, तो फिर हमें क्या पता, हम सही भी करें, मैं आपको ये तो मालूम होना चाहिए यार, अजीब बात है, हम भी सोचना जी नहीं, भी हम ये अभी काम शुरू ही नहीं किया हमने, ये तो धोखा सबसे, नहीं जी बस क्या है जी नमाज पढ़ ली बस, ठीक है जी ठीक है, ये नहीं है सलाम, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम, कम से कम ये तो जानो, मैं सीधी बस में बैठा हूं, नहीं जी बैठ जाए आप बस लंदन पहुंच जाएंगे, कभी ऐसे कोई बैठा है वो बाहर जाके देखते हैं इस पर लंदन का बोर्ड लगा ही नहीं लगा हुआ, देखता नहीं देखता, हाँ मैं कौन सी बसें खड़ी हैं बैठ गए, क्यों जी माँ जी मैं तो लंदन जाना है, लंदन हाँ जी तो बस जी बस बैठेंगे बस में लंदन चले जाएगी, वो जा रही है ग्लास, आज तक सुना है आपने, तीन तीन दफा देखता है मेरा आदमी जैसे लंदन, हाँ लंदन, फिर उतरेगा, भैमी आदमी होते हैं ना, मैं गलत तो नहीं, फिर ये लंदन है, फिर देखता है, फिर तीसरी दफा ड्राइवर से पूछते हैं ये लंदन जा रही है, उसने दो दफा तू देख चुके अभी तुझे यकीन नहीं आ रहा, वेरी गुड, ये हमारा होना चाहिए कि मेरा अमल सही है या नहीं है, कभी कुरान से पूछ रहे हैं, कभी किस मुफ्ती से पूछ रहे हैं, कभी अपने आप अपनी तरफ देख रहे हैं, एक नमाज के लिए अल्लाह क्या कुर्बान जाए इसके इस शख्स के, कितना मोहताज है अपने अमालों के लिए, कभी हमने किया ऐसे, बड़ा गरूर है जी हमारा, बड़ा फख्र है, हम तो बड़े 30 मार खाए हैं, बड़े अमाल कर रहे हैं, झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ,
ये सब चीजें बहुत अकाउंट होंगी मेरे भाइयों, हमें वजह हमें इसका कोई कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। नोट होता है नोट, आजकल 5 का नोट निकला है, मैं कसम खा कहता हूं कि हर आदमी जब 5 का नोट पकड़ा होगा ना, जरूर देखा अच्छा ये निकला, वाह, हाथ भी फेरे होंगे, उसको यूं भी देखा होगा, आगे से भी देखा हो, यह नहीं है किसी ने 5 का नोट, ये नहीं कि पुराना ने पता नहीं जेब में रख लिया, कोई नहीं होगा ऐसा। और भी बचाइए नया नोट, हाँ जी नया, देखो कैसा गया, हर एक फेर होंगे हाथ उसमें, है नहीं, ये तो हाल है दुनिया के 5 का नोट के लिए तो हाथ फेरते हैं, देखते हैं वही है कौन सा है, अपने अमालों के लिए हमें कुछ पता नहीं कि सही पढ़ी मैंने नमाज, ये हुआ तो नहीं, अल्लाह ने जितना बड़ा फजल मुझ पर किया है, ये सही है या मुशरिक, इसमें कोई शिरक तो नहीं था, ये देखना है उन्हें अपने अमल में, क्या देखना है इसमें कोई, हाँ क्योंकि उसने शिरक मानना है, नफ्स ने क्या करना है उस नमाज को शिरक मानना है, उसने बिल्कुल पैदल करनी उस चीज को, याद कर उसने ये नहीं करना कभी थोड़ी पढ़ ली पढ़ ली कच्ची पढ़ ली आयत भुला दी, वो शैतान करता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नमाज कबूल ही कबूल, असल चीज शिर्क, इबादत के अंदर किसी को शामिल करना, ये तो सबसे बड़ी कामयाबी ना नफ्स की, बस पार हो गया था। तो कुरान देखें क्या कहता है, आज सुनने के बाद ये काम करेंगे, इस आयत के मुताबिक जज करना है हमने अपने आप को, समझे मौलाना, इस आयत के मुताबिक तुमने क्या आयत कहती है कुरान, या अय्युल्लज़ीना आमनू, किससे मुखातिब है, ईमान वालों से, अल्लाह कहता है मेरे बंदो मुझे पे ईमान तो ले आए हो, अब तुम अमल करोगे, है ना, अल्लाह कहता अब तुम अमल करोगे, मुझसे इनाम लोगे, रहमत के मजे लोगे, जन्नतों में जाओगे, तो सुनो, या अय्युल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो एक काम करना, मेरी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, पैरवी करना, फरन करे ना, आगे क्या कहा, वला तुबतलू आमालकुम, बिल्कुल सीधे आयत, अगर तुमने ये दो काम नहीं किए, अपने आमाल को जज नहीं किया, किस चीज पर, अतीउल्लाह व अतीउर, कितना इजी है, अपने आपने किसी अमल को भी, छोटा है या बड़ा है, नफिल है या वाजिब है या फर्ज है, फर्ज तो बहुत बड़ी चीज है, अगर तुमने किसी अमल को भी अपने इस तराजू पे नहीं रखा, कौन सा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, बोला तुबतलू अमालों को, तुम्हारे अमाल सारे जाये हो जाएंगे, क्योंकि उसमें शिर्क आ जाएगा तुम्हारे नफ्स का और तुम्हारे शैतान का। कितनी बड़ी चीज है नबी पाक में इत्तबा, इत्तबाए सुन्नत, अब सोच ले आओ, जो अमाल हमारे, जो नमाज हमारी, जो जिंदगी हमारी, जो शक्ल सूरत हमारी, हर चीज का स्टैंडर्ड क्या दिया अल्लाह पाक ने, कबूलियत का, जिसमें शिर्क नहीं हो सकता, कमी हो सकती है, जाहिर तो है वो कबूल है, लेकिन जिसमें शिर्क हुआ वो शिर्क कौन सा होगा, जिसमें इजात रसूल नहीं होगी, इत्तबा रसूल नहीं होगी, तब तो वो तो बिल्कुल फजूल है, अल्लाह ताला कहता है कुछ ही नहीं, पढ़ के पढ़ ले आना तो मेरे पास, जिसमें मेरे नबी की इजात नहीं होगी, तबाह नहीं होगी, बिल्कुल बेकार होंगी, कौन कह रहा है। तो हमने सबसे पहले अपनी जिंदगी को मौत से पहले सोच ले, एक ताजु पे रखना है हर चीज को, वो क्या है, तबाह रसूल, नबी पाक में तबा, नमाज भी वो नमाज, हज भी वो हज, उमरा भी वो उमरा, ज़कात भी वो ज़कात, रोजे भी वो रोजे, बिल्कुल इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताबिक होंगे। की मोहम्मद से फातून तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कल हम तेरे हैं। बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि देखो भाई, अगर अल्लाह के अहकाम की मुखालफत की, नफ्स के साथ लगे, तो फिर क्या हो जाओगे, मुशरिक। और नबी पाक की इत्तबा की मुखालफत करके तुम्हें अमल किए तो क्या हो जाओगे, फासिक और सियाम हो। ये देखिए ना, ये फतवा है और मेरा हक। तो अब कोई अमल हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको
किसके मुताबिक हो? इत्तबाए रसूल के मुताबिक हो। कोई चीज भी कबूल नहीं होगी। दीन पूरा का पूरा जो है, आप ये सोच लें, बंडल अल्लाह पाक ने क्या है, दो ही जगह घूमते हैं, अती अल्लाह व अती रसूल। इसके अलावा क्या है? नफ्स। जो ये बकवास करता है जी हम तो मजबूर, सब बकवास, माल पैसा दुनिया कमाने के चक्कर में लोगों ने सब खटके लगाए हुए हैं। देखना यह कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया इस मामले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा क्या करते थे इस मामले के अंदर, कुर्बानी किस तरह देते थे नमाज की खातिर, किस तरह सुन्नत के मुताबिक उनका अमल क्या था, इस फेल पर इस फेल पर इस फेल पर, उससे हट के कोई फेल पूरी दुनिया से फैल गई। सही बुखारी की हदीस सुनाता हूं आपको, सुने सही बुखारी की हदीस। हज जाबर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं इस हदीस को, इसका मफहूम यह है, फरमाते हैं एक दफा नबी एक दिन सोए हुए थे, आराम फरमा रहे थे, तो फरिश्ते आ गए, मलाइका आ गए, आधे इधर हो गए आधे इधर हो गए, तो कुछ बोले फरिश्ते कि तुम्हें मालूम है ये सोए पड़े, फरिश्तों ने कहा सोए पड़े, तो दूसरे फरिश्ते कहते हैं नहीं इनको नींद नहीं आती है। सुभान अल्लाह, तीसरा तारुफ करा रहे अल्लाह ताला अपने अपने हबीब का अंदाजा लगाए, ये तारुफ हो रहा है कि आपकी जात क्या थी, क्या शान थी आपके नबी पाक की। जो चीज अल्लाह पाक ने नबी पाक जाहिर करना चाहिए वो जाहिर कर दी, हमारे सामने है, जो जाहिर नहीं की वो पोशीदा है, हम उस तक भागते हैं जो पोशीदा है अल्लाह पर, उस पर मुनाजरे, उस पर झगड़े, उस पर दीन मना लिए अपने, कितनी फजूल बातों में घुसे हैं। अल्लाह ताला जो हमारी जरूरत के मुताबिक थी आपका तारुफ करा दिया कि आपकी ज़ाते गिरामी कैसी है, नहीं समझे मेरी बात, लेकिन वो जो आपकी पोशीदा बातें रखी हैं उधर भागते हैं, उस पर झगड़े हो रहे हैं, उस पर फिरके बन रहे हैं, उस पर मुनाजरे हो रहे हैं, लाहौल बिल्ला, अल्लाह चाहता तो वो बताता हर चीज। तो फरमाया कि वो कहते हैं आधे फरिश्ते आप सोए हुए हैं, तो आधे फरिश्ते कहते हैं नहीं सोए हुए नहीं है, ये तो वो आदमी है, ये तो वो जात है कि जो है इनकी आंखें जो हैं वो बंद होती हैं सोती हैं, और दिल जागता है, इनको नींद कैसी, ये तो जागते हैं, दिल जागता है इनका, ये तारुफ कराया पहले, तो फिर फरमाया कि इनकी मिसाल हम बताते हैं, फरिश्ते कहते हैं ऐसी है कि जैसे एक मकान बने और उस मकान के अंदर दस्तरखान बिछे, एक मकान बने उसके अंदर एक दस्तरखान बिछे, फिर एक दाई को या दावत देने वाले को भेजा जाए कि जाओ लोगों को बुलाओ, आओ भाई इस मकान में आओ और दावत खाओ, और वो दावत देने वाला जाके दावत दे लोगों को आओ, तो वो लोग जो दावत को कबूल कर लेंगे वो उस मकान के अंदर दाखिल हो जाएंगे और वो दस्तरखान पे खाएंगे, गुबात खाएंगे। तो फरमाया वो मकान जन्नत है और वो दाई बुलाने वाला कौन है? आप सरसम की ज़ाते ग्रामी है, ये फिश्ते बता रहे हैं, तारुफ हो रहे हैं, आप दावत देने आए और जो उस मकान में आ गया यानी जिसने आपकी इत्तबा अख्तियार कर ली, जिसने आपकी इत्तबा अख्तियार कर ली वो जन्नत में पहुंच गया और माल खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान, और जिसने आपकी इत्तबा को छोड़ा, आपकी फरमबरदारी को छोड़ा, आपकी सुन्नतों को छोड़ा, तबा सुन्नत को तीन छोड़ा, और कुछ भी नहीं है ही नहीं उसके पास कुछ भी, वैसे ही जिसने बुलाया था आए नहीं, उनको ना घर में दाखिल हो सकेंगे, ना जन्नत में आ सकेंगे, ना अल्लाह के दर्शन को कोई फजान पहुंचेगा। तो मेरे भाइयों, कोई ईमान और इस्लाम ही नहीं मिलता नबी पाक इत्तबा के बगैर, तो इंसान वली कैसे बन जाएगा, मुझे बन जाए विलायत कैसे मिल जाएगी, अल्लाह का नेक बंदा कैसे बन जाएगा। हाँ अभी तो इस्लाम ईमान ही नहीं उसका सही बन रहा, क्योंकि तबाही नहीं उसकी जिंदगी के अंदर, पता ही नहीं उसको कब क्या करना है, किस तरह करना है, हमने ये मालूम कैसे करना है, ये कैसे करना, वो स्टैंडर्ड ही नहीं हमारा, है ही नहीं स्टैंडर्ड। जबकि फरमाया इसी हदीस में, इसलिए साबित ये हो गया कि आप सरसम की ज़ाते गिरामी जो है वो कसौटी है, समझते हैं कसौटी, मेजरमेंट करने के लिए यानी जांचने के लिए कि हम सही हैं गलत हैं, आपकी ज़ाते गिरामी है, आपसे आपकी जात के से हमें पता चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं, जब हम आपकी तरफ जाएंगे नहीं, अपने आप को उसके मुकाबले में रखेंगे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चल सकता हम कैसे हैं।
बताइए कि हम मैं कोई अमल कर रहा हूं तो मैं देखूं कि इसमें सुन्नत है या नहीं है, आपकी तबाह है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर फौरन छोड़ दो। आप कहें सारी दुनिया कर रही है, कहें सारी दुनिया नहीं, एक और दुनिया है वो भी करे, हम ये करेंगे जो नबी पाक ने किया था। सारी दुनिया घाटे में जाएगी, सिर्फ एक शख्स भी होगा तो वो जीत जाएगा अल्लाह के फजल से, जिसका ये ईमान बन गया, जिसका ये इस्लाम बन गया, वो आखिर में कामयाब है। लेकिन अब यह है कि क़यामत के नजदीक हमें सबसे कम और कम चीज जो होगी, सब कुछ होगी, मसाजिदें होंगी, तकीरें होंगी, कुरान खुलेंगे, तफसीरें होंगी, मुहद्दिसीन होंगे, सब कुछ होगा। क्योंकि इस वक्त वो जमाना आ रहा है जिस वक्त स्किश होगा ईमान और दज्जाल का जमाना नजदीक, तो वहां क्या होगा, सबसे पहले शैतान उस चीज को पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, उसके करीब नहीं आने देंगे इंसान को, सब कुछ करा देंगे, लेकिन कबूली जहां से होती है उसको खत्म कर देंगे। और जो इस पे जम गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए अल्लाह पाक ने कहा है कि दुनिया में मैं उसको सवाब सुना दूंगा, एक सुन्नत पे जो अमल करेगा 100 शहीदों का सवाब दूंगा उसको। ये जमाना ऐसा है, जमाना ऐसा कह के देखे ना किसी को, ये इस सुन्नत पे अमल कर पसीने छोड़ जाते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार होगा, लेकिन जब सुन्नत का मामला आएगा ना पीछे भाग जाएगा, पीछे दरवाजे से, ये नहीं हो सकता। ये हमारे से सारी रात जागूंगा, वजीफा दे दो वजीफा पढ़ूंगा, चिल्ले दे दो चिल्ले करूंगी और करूंगा, आप सारी रात के चिल्ले दें औरत खड़ी रहेगी, चिल्ले चिल्लेंगे मास्टर होते हैं औरत, जितने वजीफे दे दो खींचेंगे और खींचेंगे, बड़ी से बड़ी तस्वीर दे दो करेंगे, जहां कहा है कि सर तू रात को ये छोटा सा सुन्नत के मुताबिक कर, ये नहीं हो सकता। ये लोग क्या कहेंगे, लोग तो हंसेंगे, लोग तो मजाक उड़ाएंगे, मैं कैसे कर सकता हूं, ये कर सकती हूं, ये तो खतरा, ये इम्तहान इंसान का। भाइयों पास और फेल का तो यही पता चल जाता है इंसान को, यही पता चल जाता है। कोई वली नहीं हो सकता, कोई वली ऐसा गुजरा ही नहीं, और जो अपने आप को वली कहते हैं कि हम ये क्या है जी सब चीजें, हम तो अल्लाह को इधर से देख लेते हैं, दिल में होना चाहिए जी, फजा होना चाहिए, नमाज, वो सबसे बड़े शैतान जमाना है। जमाने में दज्जाल ने भी यही काम करना है, जो उनके करीब भी बैठेगा ऐसे लोगों को, उनकी बातें भी सुनेगा, अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसको भी वैसे ही करूं, उससे रिश्तेदारी करना, उसके साथ बैठना, क्योंकि वो खतरनाक खतरे में शैतान उसको जगड़ लिया है, वो दूर तक लहरे देगा, दूर तक ले जाएगा, तबाही की तरफ उठा लेगा, उनके अमालों को खत्म करेगा, उसमें नफ्स और शिर्क में लाएगा वो शख्स, और उनको पता नहीं देगा, क्योंकि नफ्स और शैतान का जो आदमी होता है ना उसके अंदर ऐसी करा, क्या आपको चीजें दिखा दे, बिल्कुल दिखा सकता है। याद रखो एक बात, ये निशानी है कि अगर कोई शख्स आवाजें आ रही हैं, इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं, सोता है तो ख्वाब में बड़ी बड़ी चीजें और ज्यारतें नजर आ रही हैं, और फला हो रहा है, ये आ गए, बहुत केसेस हैं मेरे पास में, आप क्या बताऊं, बहुत। तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो दिमाग से फारिग है शख्स, पागल है, तो देख के तशखीस की जा सकती है, या तो पागल हो चुका है, उसके अंदर एक ऐसी चीज घुसी हुई थी ख्वाहिशात की कि जो उसको, जिसने उसको पागल कर दिया, या वो पागल है शख्स, या शैतान जन्नात का पूरा कब्जा है और उससे वो काम करा रहे हैं। कभी भी ऐसा कश्फ और करामात, करामात जो है हक है, करामात हक है, औलिया अल्लाह की करामात बिल्कुल हक है, लेकिन इंसान उसकी क्या है कि वो अल्लाह का वली जो मुत्तबाए सुन्ना है, मुत्तबाए सुन्ना है, उसकी जिंदगी का कोई फेल भी सुन्नत के खिलाफ नहीं है, वो अगर ये काम कर रहा है तो वो करामत होती है। उसके अलावा कोई आदमी कर रहा है, उसकी जिंदगी में सुन्नत नहीं है, तबाह नहीं है, सब कुछ है, कुरान भी है, नमाजें भी हैं, सब कुछ है, और जो कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है, इत्तबाए सुन्नत के खिलाफ है, वो नफ्स और शिर्क के साथ वो सारे काम कर रहा है, तो उसमें शैतान और उसको लोगों को मजबूत करने के लिए, ताकि लोगों के ईमानों को खींचे, कमजोर औरतों कमजोर मर्दों को खींचने के लिए, उनको तबाह करने के लिए वो क्या करता है, उससे फिर ऐसी चीजें दिखा देता है शैतान, जिन्नात ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं, आदमी कहते हैं इसने फूंक मारी तो सही कर दिया, उसने तो उंगली रखी थी, दर्द सही हो गया, मैं दिखाता हूं आपको कारनामे, इतने सू अतकाद बना देता है इंसान को, इतना कि कुरान से हट जाता है इंसान, जिसपे आखिरी दौर तो आखिरी दो आयत का असर नहीं हो सकता सूरतों का, याद रखो, तो फिर उसपे किसी जादू का असर हो सकता है, फिर वो खुद शैतान है। अल्लाह ताला ने जो चीजें दी उससे बात भड़कर और क्या चीज हो सकती है। औली अल्लाह की करामत हक है, दो औली वली अल्लाह देखें कौन थे, एक मर्द था एक औरत थी, दोनों टॉप के वली, और कभी औरत ही जीत जाती थी,
एक वक्त में थे दोनों दोनों। ये कौन कहते हैं जो औरतें अल्लाह की वली नहीं होती? सुभान अल्लाह, ये किसने कहा है? अल्लाह तआला ऐसे कोई मामला नहीं रखा, दोनों को साथ रखा है। ऐसे ऐसे मुकाम पे अल्लाह औरतों को पहुंचा देता है जिसका दर्जा ही मर्दों से बढ़ जाता है। हसन बसरी थे ना, तो राबिया बसरी भी थी, फिर दोनों बसरा गए थे। दोनों जो थे अल्लाह के वली थे और दोनों साहिब करामत थे और आला दर्जे की विलायत रखने वाले थे, कम नहीं थे एक दूसरे से, मुकाबला चलता था उन दोनों। तो दोनों एक जगह कहीं थे, हसन बसरी ने क्या किया, दरिया के किनारे थे, राबिया बसरी भी थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने मुसल्ले को फेंका पानी के ऊपर, चलते दरिया पे और खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। बड़ी करामत दिखाई, माशाल्लाह वली थे, करामत जायज उनकी। तो राबिया बसरी ने क्या किया, उन्हें अपने मसल्ले को हवा में छोड़ा और हवा में छोड़कर उड़ के मसल्ले पे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दोनों नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद राबिया बसरी आई, कहते शेख बड़ी करामत दिखाई तूने, वाह कमाल कर दिया, तो पानी के ऊपर मसल्ले को खड़ा कर दिया और बड़ी करामत मैंने दिखाई, मैं हवा में उड़ी, तेज से ऊपर थी मैं, लेकिन तेरा कमाल है ना मेरा कमाल है, आ मैं तुझे दिखाती हूं, मैं उड़ी थी ना, देख मक्खी उड़ रही हवा के अंदर, मक्खी उड़ रही, ये जो छोटा सा मच्छर है ये भी उड़ रहा है, तो तूने क्या कमाल कर दिया। अच्छा मतलब मैंने क्या कमाल कर दिया, मैं हवा में उड़ी थी ना, और तू जो पानी पे था, देख मछली तैर रही, वो तो नीचे तैर रही है, कितने जानवर तैर रहे हैं, तो तेरा क्या कमाल था। मैं कमाल दिखाना है तो तबाय सुनत का कमाल दिखा, कि कोई फेल भी हमारे सुनत के खिलाफ, ये कमाल है, ये सुनत इंसान का इस्तकामत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के हर पहलू, यहां क्या करते थे, नबी मुहम्मद सोते कैसे थे, किस तरह आते थे, किस तरह दाखिल होते थे, कैसे जूते उतारते थे, कैसे आप सुना रखते थे, कैसी नमाजें थी, जमात का क्या अहतमाम था, जमात के लिए क्या हुक्म है, किस तरह के सहाबा को देखे, कितने सहाबी हैं जो शहीद हुए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह कहां शहीद हुए, मिंबर पे शहीद हुए, नमाज पढ़ते जमात से, रोमना किया, कहते नहीं नमाज कैसे छोड़ सकते, नमाज तो नहीं छोड़ सकते। मेरे भाइयों वली बनना कोई ये नहीं कि हम तस्वीर खींचे वली बन गए, इबादत नहीं चलती, क्या चलता है, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको बांध लेनी चाहिए। सबसे बड़ी कामयाबी जो जिंदगी की वो क्या है, इत्तबाए रसूल है। कितने बड़े बड़े औली अल्लाह गुजरे, सब ने यही कहा है। अब्दुल कादर जिलानी को ले लें, इमाम रब्बानी, किसी को आप ले लें, हज़रत मुजद्दद सानी रहमतुल्लाह, उनके फर्ज ख्वाजा मासूम क्या लिखते हैं, अब देखें उनके मुताबिक कितना जाहिरी और बातनी, जितने भी कमालात हैं सूरी या मानवी, जितने भी कमालात हैं, जितने भी दराजात हैं, सब के सब मोहताज हैं तबाय सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो खत्म हो गया, सब के सब मोहताज हैं, कोई हो ही नहीं सकता इसके अलावा, खिलाफ पैगंबर किसी रागजी के हर गिर नमन खाए। मैंने बड़ा ख्वाब देखा जी, आज मुझे फलां की ज़ियारत हुई या फलां ये हुए, ऊपर से नीचे तक देख लिया करें जिंदगी को खत्म, आज से निकल जाए बाहर हो जाए, हाथ भी शेक न करें। रोज मिलते हैं ऐसे लोग हमें, इसके क्या मतलब, ये बताएं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ जहन्नुम हो रही है और क्या हो रहा है, सीधे बनो नमाज पे आओ, सब खत्म हो जाएंगे ख्वाब, जब सुनत पर चले गए ना तो ख्वाब खत्म हो जाते हैं, फिर वो ख्वाब कहते ख्वाब ही खत्म हो जाए, हम देखते थे पता चलता है झूठ झूठ है, सच सच है। तो जिंदगी समझे दोस्तों, ये कुरान हमें सब बता रहा है, ऐसा ना हो कि जब माँ खड़े होते हैं जी हम तो जी हम तो पता नहीं था, पता सब है, सब पता था, लेकिन नफ्स में शिर्क कराता रहा। वही स्टैंडर्ड होना चाहिए हर चीज का, याद रखें जो चीज आप कर रहे हैं, चेहरा रख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, पहले देखें कि आपने वो स्टैंडर्ड क्या था, नहीं जी फला मौलवी ये कहता है, फला मौलवी ये कहता है, मैंने तो ये भी सुना एक साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं मुफ्ती और बहुत बड़े मजमा भी बना लिया उन्होंने अपना, बड़ा उनको मुफ्ती आजम पता नहीं क्या कहते, कहते हैं कोई बात नहीं जो चाहे करो सब हलाल है, सूद भी ले लो और जो बॉन्ड कहते हैं ये इनामी बॉन्ड छोड़ ये भी लो, कोई सब चलता है इस जमाने में, जीजिए देखना ही वो जमा ऐसे ऐसे, उनका नाम क्या मुफ्ती आजम, मर गया बेचारा। तो ये क्या नफ्स है इतना, अच्छा खुश क्यों हो रहे लोग, अब मैं बताऊं आपको, इतना आपको जाती बात, लोग क्यों इनके पीछे जमा हो गए, एक अजदाम लग गया पाकिस्तान के अंदर लोगों का, क्यों, ये कितना आसान दीन बता रहे हैं, देख रहे हैं यंग लोगों को कितना अच्छा, कितना अच्छी बातें बता रहे हैं, बताओ
इसमें क्या आसानी होगी भाई? कुछ बताए, आप किसी की नमाज छोड़ा दें तो ये आसानी है? ईमानी छोड़ दो फिर तो बल्कि आसान हो जाएगा, किससे खत्म? और आसान होने का इससे अच्छा ईमानी छोड़ दो, किससे करना, ठीक ठाक हो गया, खा पी रहे हैं, सब कुछ काम चलता रहे, अल्लाह कुछ भी नहीं कहता, दुनिया भरी है नहीं भरी है। हाँ तो फिर आसानी बिल्कुल ही ले लो, किससे खत्म करो, नमाज छोड़ने से क्या आसानी है, फला चीज छोड़ने की आसानी, पक्की आसानी ले लो, किससे खत्म, किसी है ही नहीं ईमान, मुझे भी करते हैं लोग, मुझे भी दिखा देता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें शऊर तो है ना, कम से कम डरते तो अल्लाह ताला से ऐसी कोई चीज ना हो, तो ऐसे हालत के अंदर अपने आप को इंसान संभाले, कोई चीज काम नहीं आएगी, मैं आपको सही बता, कोई ढकोसले अल्लाह के पास काम नहीं आएगी, एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बस। हर औरत के लिए भी हुक्म आया कि तूने इस तरह जिंदगी गुजारनी है, हर मर्द के लिए भी जिंदगी गुजारने का तरीका आया, कोई किसी से जरूरत नहीं है, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह उन तरीकों को तैयार करो बस, उन तरीकों के साथ कि हम सुन्नत पे खड़े हैं, नबी हम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और मुफलिसी है, बेकार है, परेशानी है, तंगदस्ती है, बीमारी है, कोई परवाह नहीं, इसमें क्या परवाह की बात है। ये तो सबसे पहला जो सबक था हमारा आपसे सुनकर तो यही था, आप गए कि हज़रत फातिमा के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बुरा हाल, यानी कपड़ा ही नहीं पहनने के लिए, और ये के उन्होंने कहा जी अब मैं तो खड़े होकर नमाज ही नहीं पढ़ सकते, मुझे चक्कर आ जाता है। ये फरमा रही है अपने बाबा से, किसी को अपने ऐसा है कि अपनी बेटी से मोहब्बत ना, मुझे बताएं कौन ऐसा हो सकता है, कौन हो सकता है, बच्चे भूखे पड़े हैं, बेटी का यह हाल है, घर में खाक पड़ी हुई है, और मुसलबे खड़े, बाबा अब तो मुसलबे खड़ी ही नहीं हो सकती, मैं मुसलबे खड़ी थी, मुझे तो चक्कर ही आ जाते हैं, तो नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही, मैं क्या करूं, इतनी मुफलसी क्यों, पता नहीं कितने दिन फाकों को गुजर गए। तो आप सब उसकी आंखों में आंसू आ, कहने फातिमा ये बात है कि हाँ, कहता ये मुसल्ला उठा अपना, मुसल्ला उठा के देख, नीचे वादी थी सोनों की, सुभानअल्लाह सोने की वादी, कहते फातिमा ये ले ले, क्या खातून जन्नत बन जा, क्या चाहिए आपने मुसल्ला उठा, कहते मैं खातून जन्नत बनना चाहती हूँ। तो ये जिंदगी है, दुनिया है, मैंने कहा ना बिल्कुल आसानी ले ले आप, दुनिया मिलेगी, बड़ी मिलेगी, एक नमाज क्या नमाज छोड़ने से, जमात छोड़ने से दुनिया हासिल करो, छुट्टी करो बिल्कुल ही, इधर क्यों इधर क्यों होते रह रहे हो, ये क्या अंदर चित्र पटेल क्या हो रहा है, बिल्कुल आसान, या तो आजाद हो जाओ या नहीं, तो फिर पक्की बात करो कि हम तो है ना, तो पक्का मुसलमान, ये बीच वाला तीसरा पटेरा भाई हो, ये तो खुद नफ्स को शिर्क करा रहा है आपको, वैसे भी सजा मिलनी होती, ये तो शिर्क करा रहा है नफ्स, हर वली हो पीर हो, जो अपने आप को वली कहते हैं, पीर कहते हैं, शेख कहते हैं, और इसी तरह जो मुफ्ती कहते हैं, आलिम कहते हैं, मुहद्दिस कहते हैं, हमें इन टाइटलों से कोई गलत नहीं, हमारी राहबर सिर्फ वो होगा जिसकी जिंदगी के अंदर खुद इत्तबाए सुन्नत होगी, फकत हमने ना तकरीरों को सुनना है, ना आवाजों को सुनना है, ना हमने रोना है। एक आपको दिखा देता हूं मुकर्रर ऐसा है, मुकर्रर नफ्स का कि आप उसकी तकियाँ सुने, आप रो के हिचकियाँ आपको लग जाएंगी, ऐसे वाक्य सुना देगा इमाम हुसैन के और सहाबियों के, ऐसे किससे आपको रोना आ जाएगा, औरतें भी रो रही हैं, मर्द भी रो रहे हैं, जी बड़ा आपने, ये तो अल्लाह ने फरमाया कि तकरीर जादू होता है, रोना मुश्किल काम है, तभी इमाम किस्सा ऐसे तरीके से सुना, सब रोने शुरू हो जाएंगे औरतें, वाह जी हजरत साहब ने बड़ी तकरीर की, माशाल्लाह दिल फट गया जी, रोने लगे वो, ये क्या बात है। हाँ आज कोई कहे दिल फट गया तब मैं कहूँगा कि मेरी बात समझे, किसी का दिल फटा आज कि भाई जिंदगी हमारी आंखें खोलती हैं हजरत साहब ने आज सुना के, तब मैं कहूँगी वाकई भाई ईमान है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको, नहीं वही टॉपिक बंद कर देंगे, सुनेंगे भी नहीं मेरी ये तकीरा, ये तो ये तो बहुत है आजकल, अभी ये क्रिसमस आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में इश्तहार लगे होंगे, फलां हो रहे हैं मजमे लगेंगे जनाब, सब कुछ होंगे, खूब रोने के लगेंगे, खाने चलेंगे, होगा नहीं होगा मुझे बोलो, आप भी होंगे उसमें, बड़ा मजा आया जी, बड़ी दुनिया थी, बड़ा अच्छी हो गया जी, फला हो गया, लेकिन ये बात नहीं मिलेगी जो मैंने आपको आयत पढ़ी, आयत कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे दिखा दें सब जगह जाकर देखने, मुझे बता दें ये आयत कोई पढ़ के सुना दे मुझे, या अय लजी आमनु अतीउल्लाह व रसूलह ला तुबतलु अमालकुम, क्या प्यारी तरी से अल्लाह ने कहा, तबाह ना कर देना अपने मालों को, अल्लाह ताला कह रहे बर्बाद ना कर देना अपनी मेहनतों को,
बेवकूफो, तुम पूज रहे हो, ये नफ्स की सिजदे कर रहे हो, ये नफ्स की नमाजें पढ़ रहे हो, ये नफ्स की जिंदगी गुजार रहे हो, मुशरिक हो, शिर्क कर रहे हो। उठो, आंख खोलो, आओ मेरे हबीब की तरफ, ताकि तुम सही ईमान के साथ आ जाओ। क्या बात, आओ इसकी तरफ, ये आया, ये भेजा है मैंने। और कैसी हदीस है, साफ कहा है हदीस के अंदर कि मुकाम इसका ये कि कहां सोता है, ये तो तुम्हारे मैंने भेजे ऐसे आदमी है कि दिन रात हर वक्त उनको तरीफ तुम्हारी ही फिक्र है उसको, तो बंदे ही मैंने ऐसे भेजा है तुम्हारे पास, तुम नहीं समझ सकते उसको क्या चीज मैंने भेजी है। ये तो हज़रत आदम नहीं समझ सके कि मैंने तो कहते हैं कि मैंने एक तो ऐसे नाम लिखा देखा था एक आसमानों पर तेरे नाम के साथ, तो उसके हवाले से तुम मुझे बख्शते और मुझे मेरी खता माफ करते। वो साथ है, मुझे बताया, उसको छोड़ रहे हैं, उसकी पैरवी से इनकार कर रहे हैं और जन्नत का ठेकेदार बनना चाहते हैं। कभी नहीं, जो अमल भी खिलाफ होगा खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और आप हजरात को भी दे और सुनने वालों को दे। और यही है टेस्ट है और यही दीन है और यही इस्लाम है, सब कुछ यही है कि आज दिन में हमने कितने अमाल अपनी जिंदगी को कैसे और कितनी चीजें छोड़ी इसलिए, तभी तो मना है कि कितनी कुर्बानी हमने दी है इस चीज के लिए। ये हराम है, हमारे नबी ने कहा हराम, मैं इस तरीके से कैसे काम करूं, वरना फतवा तो मैं बता दिया आपको, सारी दुनिया जा रही है उनके पास, अब तो मर गया, सारी दुनिया उनके पास जा रही है। ये है ये दीन, देख ये बता रहे ना सही बात है, और वो बाकायदा कह रहे हैं कि जुल्म कर रहे हैं उलमा हजरात जो पहले हो हमारे अकाबिर, जुल्म कर गए ये लोग, कैसे कैसे सख्त तरीके से दीन पेश किया है लोगों को, सख्त दीन, वो कह रहे हैं सख्त दीन पेश कर, दीन को बड़ा सख्त बना दिया इन्होंने, ये भी कोई बात है, ऐसा कोई अल्लाह ताला तो बहुत कहता है मेरे दीन में सख्ती है ही नहीं, अच्छा ये था ये आज टच करते हैं, देखो कैसे लोग हैं, पाओ मैं तुम्हें बताता हूं कि दीन क्या है, ये भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये करो मजे करो, इसके मजे करो उसके मजे, कोई नहीं सब ठीक ठाक, ये भी ठीक ठाक, ऐसा दिन चाहिए भाई हैं, कितना बड़ा धोखा है। और लोग दुनिया पीछे सॉरी कहते बस का कोई मुकाबला नहीं, कहते मुफ्ती आजम उसको कह दिया, मुफ्ती तकी साहब को बुरा बुला गया था, उनको बुरा बुला गया, सब हक वाले जो थे ना वो सब बेकार हो गए। तो हमें इन जगहों से पढ़ने की जरूरत है, हम में अगर ये शऊर पैदा हो जाए, हमें में किसी के पीछे जाने की जरूरत ही कोई नहीं, बस एक चीज एक नजर मार कर देख लें कि किस हैसियत के अंदर ये आदमी है, कितनी शरीयत सुन्नत पे चलने वाला है, कितनी मोहब्बत है समझ लें सुन्नत से, बस कहना ठीक है, बाकी जितने बड़ा से मारे रुलाए आपको तकिए सुनाए फलां करे और जो कुछ दिल में उतर की बात फलां करके बाहर आ गया, आपने कुछ नहीं सिगरेटें पिए, वाह जी बड़ा मजा है जी आज तो, वाह जी खाना ही बड़ा अच्छा था जनाब, दाल ये दाल कहते हैं इसको, दाल गोशी बहुत अच्छा बनाता है, खिचड़ी क्या बात है, चावलों में तो बड़ा मजा है यार, ये बाद में होती नहीं बातें, अपने अपने बर्तन लेके गए होते सारे एक्स्ट्रा भी लेके जाते हैं, क्यों कहते हैं क्यों लेके जा रहे हैं, जी तबर्रुक है जनाब इसे स्वभाव होगा, जो बच्चा भी खाएगा वो भी दिन भी चलेगा, कौन सा दिन अल्लाह हो मेरी शामत आने वाली मुझे पता है इसके बाद लेकिन क्या करूं है? अपने भी ना खुश बेगाने भी ना खुश, मगर जहर सलासल को कभी कह ना सका कंद, ये है मेरे बाप, अपने भी ना खुश बेगाने भी ना खुश, पर जहर सलासल को कभी कह ना सका कंद, शेर समझ आया आपको नहीं कि मैं ऐसा इंसान हूं कि जहर सलासल को कभी कह ना सका कंद, कि जो जहर है ना उसको कभी मैं मीठी चीज नहीं कह सका, मैं जहर को जहर कहता हूं और मीठे को मीठा कहता हूं, इस वजह से कहने से मेरे अपने भी मुझसे नाखुश हो गए और बेगानी मुझसे नाराज है, अपने भी नाखुश बेगाने भी मुझसे नाराज, क्यों कि जहर सलासल को कभी कह ना सका, यह अल्लामा इकबाल का शेर, हक बात डंडे खाओ अल्हम्दुलिल्लाह डंडे खाओ, निगाह एक बात करो क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है किसी एक के दिल में मेरी बात उतर जाए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी काम बन जाएगा, कहते भी ये रास्ता सही है, इस पर कोशिश करते हैं हम अपनी जिंदगी बनाते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं भाई इंसान है ना, कहते हैं मुजाहद करते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं क्या क्या छूटते हैं हमारे से और क्या क्या हमारे पास आता है, हराम की लिस्ट हराम की जाएगी, बस एक जिसको बताया हदीस में कसौटी क्या रखे हैं पैमाना, आप सोचते जाते इतनी आसान चीजें मिलेंगी ना आपको दीन के अंदर, इतनी आसान मिलेंगी आप हैरान हो जाएंगे, इत्तबाए रसूल को देखें दीन बिल्कुल आसान हो जाता है, वल्लाह ही आसान हो जाएगा आपके,
और मेरे लिए सारा आसान दीन दिया नबी पाक ने, हमने खुद मुश्किल बनाया हुआ है। जब देखें ईमान के साथ हम बुरा काम करते हैं ना, एक बात बताऊं, ईमान के साथ जब नबी हम तरीके को हम छोड़ के काम करते हैं ना, कसम खा कह सकता हूं उसको सुकून नहीं मिलता, गिल्टी रहता है। उस तरीके से नमाज पढ़ेगा, उस शक्ल से, उस सूरत से, वो गिल्टी रहेगा, शर्मशादी रहता है माशरे के अंदर, उस अपने आप को ज्यादा समझते ही नहीं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जिसने माल गलत तरीके से कमाया होता है ना, वो अंदर अपने आप को ज्यादा नहीं समझता, चोर होता है। ये ना कुछ कह दे, ये ना कुछ कह दे यार, इसकी मैं आपको सही बता रहा हूं, कभी भी उसको सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि गिल्टी रहेगा अपने कॉन्शियस के साथ। ये एक सजा है बहुत बड़ी कि उसने सुन्नत को छोड़ा है, कि एक बहुत बड़ी सजा है कि खुद अपने कॉन्शियस के अंदर ना वो घबराता रहेगा कि यार पत्नी मैंने गलत किया है काम, या मैं मुझे लड़ जा रहा कर नफ तो कराया जा रहा है ऐसे वो काम, लेकिन खुद भी मुतमिन नहीं है। ये क्या जिंदगी है? जहां अब एहसान नहीं, जहां नबी तबाक मुताबिक आपने दिन लिया, एकदम आप खुश हो जाएंगे, फिक्र खत्म हो जाती है सारी, वो फिक्र खत्म उड़ जाती है सारी, बिल्कुल तैब बादशाह बन के फिरते रहते हैं। पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कुछ क्या कह सकता है, किस क्या ताल्लुक हमारा, वो एक अजीब इंसान बन जाता है, फिक्र खत्म हो जाता है, ना गुर्बत का फिक्र, ना उसको क्या खुशी होती है जब गुर्बत आती है, कम से कम हराम तो नहीं खाए ना हमने, इसी में खुश हो जाता है वो। लेकिन जो हराम खा के बचा रहा है अपने आप को, वो खाने के बाद भी उसका पेट भरा होता है खा खा के चीजें, लेकिन क्या है अंदर जमीन मर रहा होता है, उसको मर रहा होता है कि यार गलत काम, क्यों ईमान है ना। और कहीं तकीर सुन ली किसी की ऐसी, जैसे मैंने कोई अर्ज कर दिया आपसे बातें, फिर उसको सही रात नींद नहीं आती, क्योंकि नफ्स ने उसको गलत किया होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, पकड़ा होता है, और वहां वो सच्ची बात सुनाता है, ईमान होता है, अब फिर लड़ता है अपने आप से, आखिर लड़ते लड़ते फिर उसने वही सुबह वही काम करना शुरू कर देना है, कि नहीं यार चलो देखी जाएगी, आप फिर उसी काम पर लग जाता है। ये मैं आपको हकीकी स्केच दे रहा हूं, और जो फैसले कर लेते हैं बस जिंदगी हमारी तबाह रसूल पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, उस आलमी को कभी बोलता देखें आप, उस मुहद्दिस की कभी आप तकीरें सुने, अल्हम्दुलिल्लाह नूर टपकते हैं, नूर नूर, वो किस जबान से बोलता है, ऐसी नूरानी जबान जिसकी ताइद होती है आसमानों से, ऐसे उलमा कराम आप देखें, उनके पास बैठ के देखें कि उनकी बातों से क्या नूर निकलता है, आधा घंटा बात करके ईमानों को पलट देते हैं, ये भी आलिम है, क्योंकि अपनी जिंदगी में तबाह को ले लिया, नफ्स को शिर्क छोड़ दिया, मुशरिक नहीं है, मुशरिक नहीं है। तो भाई वादा करें, सब करते हैं वादा कि इंशाल्लाह अपनी जिंदगी किसके मुताबिक गुजारेंगे, बस पैमाना ये रखेंगे, इंसान ने गलती होती है, बस सुबह से लेकर शाम तक पैमाना ये हो, मेरे आका का क्या इसमें अमल था, मेरे आका क्या क्या दुरुस्त सूरत है, आपने क्या कहा छोड़ दो या कहा कर लो, बस इस अमल को साथ रखें, इंशाल्लाह बहुत आसान प्यारी जिंदगी हो जाएगी, बहुत आसान, आराम से सोया करेंगे, वो कुछ इस चीज का फिक्र नहीं होगा, फरिश्ते भी सलाम झूला कहेंगे आप माशाल्लाह सही पढ़ा दें, अल्लाह के साथ में पढ़ा है, भूखा नंगा प्यासा कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र।